हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपके घर में यह दवाइयां रहेंगी तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इमरजेंसी में कोई भी चोट लग जाती है, शॉक लग जाता है, कट जाता है, फट जाता है, तो इमरजेंसी के तौर पर इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। या होम्योपैथिक मेडिसिन से खासकर बच्चों के केसेस में इन दवाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। बड़े लोग भी इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन कौन सी वह मेडिसिन है और किन कंडीशन में उन मेडिसिन का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको किसी प्रकार की इंजुरी हो जाती है, जैसे कि ब्रूइज्ड इंजुरी हो जाती है, कहीं घिस जाता है, चोट लग जाती है और घिस जाता है, तो आप आर्निका मेडिसिन को 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो घिसी पिटी हुई चोट लग जाती है, घिस जाता है, छिल जाता है, तो उसमें 200 पोटेंसी को दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर आप इसका इस्तेमाल दिन में दो बार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपको कोई शॉक लग जाता है, इमोशनल शॉक लग जाता है, कोई आपको छोड़कर चला गया है, किसी की डेथ हो गई है और आप एकदम से शॉक में चले जाते हैं, तो दोस्तों आपको एकोनाइट मेडिसिन को 200 पोटेंसी में दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह शाम लेना चाहिए। अगर आपको कहीं मोच आ जाती है, स्प्रेन अगर आपको हो जाता है, चोट लग जाती है, मोच आपके हाथ पैरों में कहीं आ जाती है, तो रस्टॉक्स नाम की मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं, या फिर 200 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, डायरिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ख़राब खाना अगर आपने खा लिया है और दस्त लग गए हैं, या फिर वोमिटिंग आपको अगर होने लगी है, तो आर्सेनिक एल्बम नाम की मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में दिन में तीन बार ले लीजिए, या फिर 200 पोटेंसी में दिन में दो बार ले लीजिए, दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर। अगर दोस्तों आपको सन स्ट्रोक हो जाता है, गर्मी में अगर आप जाते हैं और आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, सन स्ट्रोक हो जाता है, तो बेलाडोना नाम की दवाई आप 200 पोटेंसी में दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई कट इंजुरी हो जाती है, कट जाता है, फट जाता है, तो आप कैलेंडुला के लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडुला नाम की मेडिसिन आती है, मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है। आप कटी हुई इंजुरी को साफ करने के लिए एज एंटीसेप्टिक इस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडुला का लोशन बनाने के लिए आप एक भाग कैलेंडुला का मदर टिंचर ले लीजिए और उसमें 9 भाग पानी को उबाल के ठंडा करके मिला लीजिए और इस लोशन से आप इसको वॉश कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कैलेंडुला 30 पोटेंसी में अगर मिल जाती है, दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। अगर आपको कहीं एब्सिस बन जाता है, फोड़ा बन जाता है, फोड़ा अगर पक जाता है या फिर नहीं पकता है, रेडनेस आ जाती है, दर्द करता है, तो आप हिपरसल्प को 200 पोटेंसी में दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर ले सकते हैं। हिपरसल्प नाम की दवा आती है, बहुत ही अच्छी दवा है फोड़े फुंसियों के लिए। अगर आपको हैंगओवर की प्रॉब्लम होती है, अक्सर ऐसे व्यक्ति जो कि ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं और उनको हैंगओवर की प्रॉब्लम रहती है, तो आप नक्स ओमेगा को 30 पोटेंसी में दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर आप ले लीजिए, आपका हैंगओवर यह शांत कर देगी। अगर आपको कोई पंक्चर्ड वुंड हो जाती है, कोई कील चुभ जाती है, सुई चुभ जाती है, कोई नुकीली चीज़ चुभ जाती है, तो आप लीडम पाल मेडिसिन का 30 पोटेंसी में दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर दिन में तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पंक्चर वुंड के लिए। अगर आपको वोमिटिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी भी कारण में, किसी भी बीमारी में अगर आपको बार बार वोमिटिंग होती है, उल्टी आती है, तो आप ईपीकॉक नाम की दवा का 30 पोटेंसी में दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर दिन में तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, कोलिक की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको पेट में स्पाज्मोडिक मरोड़ टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो आप कोलोसिंथिस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में दिन में दो बार दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर ले लीजिए। साथ ही साथ मैग्नीशियम फॉस नाम की दवा आती है, 6x पोटेंसी में टेबलेट फॉर्म में आती है, 4 से 6 गोलियाँ आप दिन में तीन बार चूस सकते हैं। स्पास्मोडिक पेन मतलब मरोड़ जैसा दर्द होना या फिर कोलिक आपको होना, पेट में अचानक दर्द होने लग जाना, तो यह दो दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है,
तो आप रॉयलफिया नाम की दवा आती है मदर टिंचर फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप पी लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होने लगेगा, रेगुलेट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको हड्डियों में दर्द रहता हो, अचानक से आपको बोन पेन की शिकायत बन जाती है, हड्डियों में अगर आपको दर्द रहता है तो रूटा नाम की मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कहीं जल जाता है, बर्न इंजूरी अगर हो जाती है, तो आप बर्न इंजूरी में कैंथेरिस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार या 3 बार डायरेक्टली टंग पर इस्तेमाल करें। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, जहाँ पर आपको जला हुआ है, बर्न इंजूरी हुई है, तो कैंथेरिस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में डायरेक्टली टंग पर आप 2-2 बूंद ले लीजिए, हर 5 से 10 मिनट के गैप में, जब तक कि आपकी जो जलन है वह शांत नहीं हो जाती, तब तक आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी कुछ इमरजेंसी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन। आप इमरजेंसी में नॉर्मली आप फर्स्ट एड के तौर पर इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घर में इन दवाओं को ज़रूर रखिए। छोटी मोटी इंजूरी, चोट, जल जाना, कट जाना, उसमें यह दवाएँ बहुत ही अच्छा काम करती है। इन दवाओं का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं डॉक्टर आनंद लेता हूँ आज आपसे विदा, मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक को लेकर। तब तक